उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने 5:49 पर कुर्सी विधानसभा में रैली की। यहां किसानों ने रैली से 500 मीटर की दूरी पर ही मैदान में सैकड़ों गाय बैल और सांडों को छोड़ दिया। इससे यहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने बांस बल्ली लगाकर आवारा जानवरों को रैली से आने से रोका। किसानों ने कहा, सीएम को भी पता चलना चाहिए गाय सांड से हमें कितनी समस्या होती है। बाराबंकी में सीएम की रैली करीब 1.5 घंटे देरी से शुरू हुई। यहाँ उन्हें 4 बजे पहुंचना था। योगी ने आवारा जानवरों की समस्या का अपने भाषण में भी जिक्र किया। कहा, यूपी में जब भाजपा की सरकार बनी तो पहला फैसला किसानों के लिए तो दूसरा निर्णय बेटियों की सुरक्षा में था। हमने फैसला लिया था कि गोवंश को दूसरे खानों से कटने नहीं देंगे तो किसानों की फसलें भी नष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए जगह जगह गौशाला बनवाई है और आगे भी बड़े फैसले किसानों के हित में लिए जाएंगे। यूपी में 50 सीटों पर सांड बड़ा मुद्दा है। कई किसान खेतों की रखवाली में मरे तो परिजन बोले, नेता तय करे कि हम जरूरी है या सांड। जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। बता दें कि इस समय प्रदेश में आवारा छूटा जानवर बड़ी परेशानी का सबब है। इसके चलते सड़कों पर जगह जगह आवारा छूटे जानवरों का झुंड देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इन जानवरों से किसान परेशान है। ये बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें लगातार बर्बाद कर रहे हैं। जनसभा स्थल पर किसानों ने दर्जनों आवारा छूटे जानवर खदेड़ कर पहुंचा दिए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों के विरोध का ये सबसे एकदम अलग तरीका है।